हाय गाइज, मैं मनीष सिंदोरिया एम डांस अकेडमी आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए गाइज, आज आपको सिखाऊंगा पांच ऐसे स्टेप जो कि आपने वीडियो में स्टार्टिंग में देख लिए होंगे। पांच ऐसे स्टेप जो आप ढोल पे आराम से कर सकते हो, इसकी सीरीज बना के चलूंगा ढोल के लिए पांच ऐसे स्टेप। ये पांच स्टेप सीख के बढ़िया मेहनत करके भाई साहब छोरी सेट था रहे, पक्की छोरी सेट, ठीक है? तो बढ़िया डाल दस सीख लो, स्टेप वन है छोरी सेट हो जाएगी, मैं कहूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला से स्टेप जो आपने वीडियो में देखा उसको कैसे करना है ये देखो आप, ठीक है? ढोल के स्टेप बता रहा हूँ आपको, सिंपल ईजी, जो मतलब किसी भी एज का है वो सब घर को ये डांस कर सकता है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट किया, हल्की सी मेहनत करनी है बस। दोनों हाथों को ये करेंगे, काफ़ी सारे स्टेप बता दूंगा धीरे धीरे, दोनों हाथों को ये करेंगे, ठीक है? लेफ्ट जो पाँव है उसको बार बार मारना है, 1 2 3 4। देखो राइट साइड में खड़े हो गए, ठीक है? उसके बाद हमें क्या करना है, इस स्टेप को राइट लेग को बार बार चलाना है, ओके? एक सेकेंड, आवाज़ क्लियर आनी ज़रूरी है आपके पास, ठीक है? क्या अगर राइट लेग को मारना है, 1 2 3 4। राइट साइड मेरा ये राइट साइड हो गए, 1 2 3 4। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है, 1, फिर ये पीछे वाला थोड़ा सा पाँव आगे, फिर 2, फिर पीछे वाला पाँव थोड़ा सा आगे, ठीक है? तो ये हो जाए, एक जगह पे भी कर सकते हो, 1 2 3 4। हाँ, मज़े ले ले डांस करना है, कैसे? 1 2 3 4, ठीक है? लेफ्ट पाँव को बार बार उठाना है, एक बार रखा, राइट वाला पाँव थोड़ा सा आगे रखा, फिर ये उठा के मारा आगे, फिर ये थोड़ा सा आगे रखा, फिर ये मारा, फिर ये। तो इसी को करके क्या हो जाएगा, 2-4 बार करके देखना, इजी हो जाएगा। 1 2 3 4, थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकना है, ठीक है? ये हो गया अपना पहला स्टेप, ठीक है? दूसरा स्टेप वीडियो में जो आपने देखा क्या है, वो सिंपल है भाई, कुछ नहीं करना, मज़े लो, बढ़िया वाला डांस बिठा दो। जड़ा विद्या शादी जिनका कार्ड नहीं आ रहा उनके बढ़ जियो। राइट वाला पाँव को हमें लेफ्ट साइड में रखना है, ठीक है? राइट लेग को उठा के लेफ्ट साइड में रखा और थोड़ा सा झुके क्लैप करनी है, ताली बजानी है भाई, ताली बजाई और सीधे फिर हो के यहाँ पे, ठीक है? राइट साइड में पाँव रखा, उठाया, फिर वापस 1 2 3। हाँ, और एक्सप्रेशन इतने भयंकर देने, स्माइल कर करके नू जमानू सारे देख दे रहे जा, ठीक है ना? बड़ी आला इंप्रेशन जमाना है, 1 2 3 4। 4 बार इस स्टेप को यूज कर सकते हो, 4 बार इधर, 4 बार इधर भी यूज कर सकते हो। फिर इधर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट वाले पाँव को उठा के रखा आगे, क्लैप किया, फिर वापस, फिर से 1 2 3 4, ठीक है? ये हो गया अपना दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, ऐसे ऐसे सीरीज बना दूंगा मैं ढोल के लिए, जो काफ़ी कमेंट आते थे कि भाई ढोल पे डांस करना होता है यार, ढोल पे डांस करना होता है कैसे करें, है ना? तो हर जगह डीजे नहीं आता, तो ये तीसरा स्टेप देखो अब आगे क्या करना है। तीसरे स्टेप में बस थोड़ी मेहनत कर लियो रे, ब्याह है भी मज़े करोगे। हाथ ऊपर करो और ये लेफ्ट पाँव को आगे किया, ठीक है? अच्छा सॉरी, एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, लेडीज़ भी ये स्टेप कर सकती हैं, अगर लेडीज़ मेरी वीडियो देख रहे तो वो भी ये स्टेप कर सकती हैं, घर बैठ के सीख सकती हैं, और इसकी मैं पूरी सीरीज़ आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है? तीसरा स्टेप देखो क्या करना है, दोनों हाथ ऊपर रखने हैं, लेफ्ट वाले पाँव को ऊपर उठाया, फिर वापस, फिर इधर से राइट वाले को उठाया, फिर वापस रख दिया, 1 2 3 4। अब क्या करना है, जो लेफ्ट वाला पाँव किया तो राइट पाँव से हल्का सा जंप किया, अब राइट पाँव उठाया तो ये लेफ्ट वाले लेग से हल्का सा जंप किया, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है? समझ में आया, दोनों हाथ ऊपर करके 1 2 3 4। किसी भी एज का कर सकता है भाई, थोड़ी सी मैं बिल्कुल सिंपल स्टेप जो लेके आया हूँ, ठीक है? क्या करना है, 1 2, जो पाँव उठाया इधर क्रॉस किया लेफ्ट वाला, फिर जो नीचे रखा है जमीन पे उससे हमें एक जंप करना है, फिर इससे जंप करना है, फिर इससे जंप करना है, करके देखो अभी हाथों हाथ कर लोगे, ठीक है? तीन स्टेप हो गए अपने। चौथा स्टेप देखो, फोर्थ स्टेप ध्यान से देखना, दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करके ऐसे सामने खोलनी है, 1 2, ठीक है? राइट लेग मारना है, 1 2। आप थोड़ा सा टेढ़ा होके और ये हाथ राइट वाला ऐसे सामने, नहीं सॉरी लेफ्ट वाला सामने, राइट वाला ऊपर किया, और जो सामने कौन सा पाया लेफ्ट वाला था इसको चलाना, 3 4, ऐसे 3 4। ये दो स्टेप अलग अलग बन सकते हैं, मैंने एक ही बनाया, कैसे? 1 2, फिर थोड़ा सा लेफ्ट वाला पाँव आगे रखा,
थ्री फोर, धीरे धीरे समझा रहा हूँ, वन टू, ये मेरा राइट लेग है, वन टू थ्री फोर, फिर फास्ट करो, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। चेहरा मायने रखता है डांस करते टाइम, चेहरे स्माइल मजा एंजॉय करके करोगे तो सबको अच्छा लगेगा। अगर ये स्टेप मैं एक्सप्रेशन नहीं देके करूँगा तो कैसा लगेगा, किसी को मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन मेन है, वो चीज़ ध्यान रखना। वन टू थ्री फोर, ये हो गया अपना चौथा स्टेप। लास्ट स्टेप, फाइव स्टेप्स, ये स्पेशली तो बॉयज़ के लिए है, तो इसको लड़कियाँ तो शायद करते हुए अच्छा नहीं लगेंगी, तो मैं बॉयज़ के लिए बता रहा हूँ स्पेशल। लड़कियाँ वो चार स्टेप आराम से कर सकती है, पाँचवा स्टेप बॉयज़ को करना है। ये क्या करना है, दोनों पाँव को खुला इन्जॉय में जैसे करते हुए देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे कैसे करना है, वन टू थ्री फोर आगे जाना है, ठीक है, कैसे, और ऐसे पहले राइट वाला हाथ आगे लेफ्ट पीछे, वन टू थ्री फोर, वन टू में राइट हैंड, थ्री फोर में लेफ्ट वाला हाथ, कैसे, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, सिंपल था दो, ये तो सबसे सिंपल है, पांच स्टेप सिखा दिए हैं। अगर बढ़िया लगे ना तो कमेंट करियो, मैंने बताइयो, जो नए जुड़े हैं मेरे चैनल से चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कीप डांसिंग।